हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन. तो आज है सैटरडे एंड आई एम ब्लॉगिंग. मैं सिर्फ वीकेंड पे ही जनरली ब्लॉग करती हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है हफ्ते में सिर्फ एक ब्लॉग होना चाहिए क्योंकि बाकी टाइम पे मैं कंटेंट डालना पसंद करती हूँ अलग 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 टॉपिक्स पे. तो यस, आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ और आज कुछ स्पेशली. एक्चुअली हम लोग सुबह आज उठे थे 10, 10:30, 11 बजे तक हम लोग उठ गए थे और आज हमने हमारी आंटी से खाना नहीं बनवाया है सैटरडे को. मतलब कल बनवाएंगे, आज नहीं बनवाया. एक दिन हम लोग नहीं खाते आंटी के हाथ का, तो ऐसा मतलब रोटी नहीं बनवाई है, सिर्फ रोटी बनाती है वो. तो आज हमने रोटी नहीं बनवाई. और आज एक्चुअली हम लोग उठे और उठने के बाद तुरंत हम लोग एक मेरे यहाँ स्टूडेंट आती है और काफ़ी पहले से भी आ रही है. तो उसके जो ग्रैंड फादर हैं वो एक्सपायर हो गए थे तो हम लोग उनके फ्यूनरल में गए फिर. एंड वहाँ पर मुझे हार्डली 45 मिनट्स लगा आराम से. और उसके बाद हम लोग आए, फटाफट नहाया वाया और हम लोगों ने बस मैगी बनाई है, चीज़ मैगी बनाई है और कॉर्न खा रहे हैं हम लोग, भुट्टा खा रहे हैं घर पे ही, हम लोगों ने सेका है उसको. तो बस यही है. और आज मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के यहाँ मिलने जाऊँगी तो मैं आपको वहाँ लेकर के चलती हूँ. मैं बहुत टाइम बाद जा रही हूँ, आई गेस 2 मंथ्स 1.5 मंथ हो गया है क्योंकि वो लोग बाहर गए हुए थे 10 डेज घूमने के लिए. फिर उससे पहले उनकी शॉपिंग, क्योंकि वो दोनों वर्किंग है, सब लोग वर्किंग हैं वो लोग, तो सैटरडे संडे मिलता है सबको आराम करने के लिए भी और फिर कहीं इधर उधर जाने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, कुछ भी काम की चीज़ें लेने के लिए, तो फिर नहीं हो पाता है हर बार. बट हाँ, फिर भी मैं जाती हूँ. मैं जनरली मंथ में एक बार ट्राई करती हूँ कि चली जाऊँ और वो लोग भी आने की कोशिश करते हैं. बट ठीक है, नहीं हो पाता तो इट्स ओके. वैसा है, बहुत पास नहीं रहती, सामने वाली बिल्डिंग में ही रहती है, मतलब मेरी सोसाइटी के नेक्स्ट सोसाइटी में रहती है वो. और आज मैंने इसको, जो मेरा सोफ़ा कम बेड है, उसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया है, एज अ बेड में कन्वर्ट कर दिया है. तो इसको मैं चेंज करती रहती हूँ, कभी ये कभी वो. तो बस यही है और मैं आपको दिखाती हूँ लंच में क्या है. ये है चीज़ मैगी, उसके बाद ये है अंडा भुर्जी एंड ये है कॉर्न. तो ये हमारा, हम दोनों का इतना था लंच है सिर्फ आज. मधु हाय, ये सो रही है, मैं इसके पास आई हूँ मिलने के लिए. नहीं माधु, तुम बहुत अच्छी लग रही. हाय माधु, ये अभी जग गई है, नहा ली है, फ्रेश हो गई, इसलिए इसने मुझे बोला अब आप ले सकते हो. सीरियसली. और ये है टीनू. हाय. सीरियसली. और ये है इन लोगों के रूम से बाहर का व्यू. लुक एट दिस. मैं तो बहुत काम कर रही हूँ, बहुत ज्यादा. एंड सी ये क्या हो रहा है, यहाँ लैपटॉप रखा है, वही पीछे मोबाइल रखा हुआ है और ये विक्की सो रहे हैं और ये इस तरीके से सोया जाता है. मैं अभी अपनी सिस्टर इन लॉ के यहाँ से आई हूँ और विक्की मुझे इस कंडीशन में सोए मिले हैं. ही लव स्लीपिंग अलॉट. एक टाइम ऐसा था जब मैं बहुत सोती थी, बट मैं अभी सो सो के इतना पक चुकी हूँ. मतलब सोती तो मैं अभी भी बहुत हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है सैटरडे को कहीं घूमने जाना चाहिए क्योंकि अभी बारिश हो रही है बाहर, बहुत ज़्यादा दिन भर से बहुत बारिश हो रही है. तो जनरली ऐसा होता है ना, सब लोगों को बारिश में सोने का मन करता है. आज वो लोग भी घर पर ही हैं, सो रही थी वो लोग भी जब मैं गई थी, और विक्की को भी सोना है, बट मुझे बारिश में घूमने का मन करता है, बाहर घूमना अच्छा लगता है मुझे. तो मैं इसलिए पीछे पड़ी हूँ विक्की के कि कहीं चलते हैं, अच्छी जगह पर चलते हैं, मतलब मुंबई के साइड नहीं, कहीं बाहर साइड चलते हैं, है ना. उठो यार. तो मैं अभी विक्की को उठाती हूँ और अगर मैं कहीं जाती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ. उसको उठाने में थोड़ी मेहनत लगी, पानी डाल दूंगी मैं सच में.
यार मत करो यार, सच में रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ, एवरीथिंग इज रिकॉर्डिंग, लोग कमेंट करेंगे आपके बारे में. और ये पार्ट मैं एडिट नहीं करने वाली हूँ, ट्रस्ट मी, एडिट नहीं करने वाली हूँ, तो मैं यूट्यूब पर डालने वाली हूँ, सारे लोग जान जाएंगे. चलो तो मैं मिलती हूँ. सब नहीं सोते इतना शाम पड़े. पहली बात तो हम लोगों में, हम ब्राह्मण्स में ऐसा बोला जाता है, हिंदुओं में ऐसा बोला जाता है कि शाम पड़े नहीं सोना चाहिए. भगवान के आने का टाइम होता है, भगवान के आने का टाइम होता है. डेली अपन शाम को 5 से 6 सोते हैं. मैं नहीं सोती, एक्सक्यूज मी, मैं 4 बजे सोती हूँ. तो चलिए मैं जाती हूँ, तो कहीं आपको लेके चलती हूँ, एंड आई विल कैच यू लेटर. हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ. एक्चुअली हम लोग कहीं मार्केट, कहीं घूमने नहीं गए थे, हम जस्ट पीछे वाले मार्केट ही वॉक करते करते गए, एंड वहाँ से थोड़ा सा कुछ काम भी था हम लोगों को, तो आ गए. बट अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे घर के जस्ट साइड वाले मॉल, क्योंकि आज खाना नहीं बनवाया है, तो हम लोग मैगडी खाने का प्लान कर रहे हैं, तो हम लोग मैगडी खाएंगे, और वहाँ से वहीं पे वेस्ट साइड वगैरह है तो एक राउंड लगा लूँगी मैं, और क्या बस. तो अभी मैं निकल रही हूँ मॉल के लिए. सो सब्सक्राइबर मिली है, एंड व्हाट्स योर नेम? भूमिका. और फर्स्ट टाइम मुझे कोई ऐसा सब्सक्राइबर मिला है, एंड आई रियली लव इट, थैंक यू सो मच. हेलो गाइस, तो अभी जस्ट मैं घर आ गई हूँ, और ये है हम लोगों का सामान, मैगडी है, और साथ ही साथ हम लोगों ने डोमिनोज का 2-3 चीज़ें लिया है, तो बस यही है. और अभी बज रहा है 10:30, एंड आज मेरे साथ एक बहुत ही अच्छी बेस्ट सी चीज़ हुई जो आपने अभी वीडियो में देखा होगा. मैं 2 मिनट के लिए, तो वो मेरे पास आई तो मैं ब्लैंक हो गई. मुझे लगा शायद डांस के लिए, क्योंकि मेरे पास जनरली डांस क्लासेस की क्वेरीज के लिए भी लोग ऐसे आते हैं, तो मुझे लगा शायद डांस क्लास के लिए आई होगी. जब उन्होंने बोला वो मेरी सब्सक्राइबर है और वो मुझे देखती है, मुझे इतना अच्छा लगा. जब वो चली गई तब मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने विक्की को बोला, मैंने कहा यार मुझे इनको व्लॉग में लेना है, और मैंने उनको ना ऐसे ही कुछ हग वग भी नहीं किया और ऐसे ही चली गई. मतलब मुझे वो इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी, पहली बार मुझे ऐसा लगा कोई मेरे पास आया और उन्होंने मुझे बोला वो मुझे देखते हैं, उनको मेरा घर का थीम बहुत पसंद आया, वीडियोस अच्छे लगते हैं. तो यस, मुझे बहुत, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है. और बस कुछ नहीं, मतलब आज सैटरडे का जो दिन है ना वो बन गया, लिटरली बन गया. ये डोमिनोज का है, दिस इज़ पनीर जिंगी पार्सल, और ये इतना सा है, आप मेरे फिंगर के से देखिए कितना बड़ा है, सिर्फ इतना सा है, और ये 35 रुपीज़ का है. एंड दिस इज़ मैगडी का मैक आलू टिक्की बर्गर, और इसका साइज़ देखिए कि ये कितना बड़ा है. इन दोनों में आप डिफरेंस देखो, आई मीन ये भी 35 का है, ये भी 35 का है. डोमिनोज वाले बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं, और इनकी जो इमेजेस होती है वो इतनी बड़ी दिखाते हैं, ऐसा लगता है कि एंड साइज़ में सी द डिफरेंस. मजाक हुआ है हमारे साथ, ऑल दो वी हैव ऑर्डर्ड महाराजा मैक और भी चीज़ें हैं, बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये इतना छोटू सा आया है. हेलो, गुड मॉर्निंग. आई मीन गुड आफ्टरनून. तो ये बन रही है, कौन सी सब्जी बना रहे हो? आलू गोभी की सब्जी बन रही है, इसमें मटर का है. आलू गोभी की सब्जी बन रही है, और आज हम लोगों ने आंटी से पुरियां बनवाई है, तो हम लोग बस ये खाने वाले हैं लंच में. आंट विक्की इज कुकिंग. हेलो गाइस, तो अभी शाम हो रही है और हम लोग जा रहे हैं अगेन हमारे घर के साइड वाले मॉल में, और थोड़ा सा हम लोगों को एक्चुअली हर जगह सेल चल रही है, तो देखती हूँ. मेरा कपड़े लेने का कोई भी ऐसा मूड नहीं है, विक्की के लिए लेकिन कुछ लेना है, तो लेट्स सी, अगर मैं कुछ लेके आती हूँ तो आई विल शो यू, सो आई विल कैच यू लेटर. हे गाइस, तो मैं जस्ट अभी आई हूँ, मॉल गए थे हम लोग, मैंने जैसे आपको बताया, और अभी हर जगह सेल चल रही है, बट मैंने कुछ भी परचेस नहीं किया, बिकॉज उसके रीज़न है, मैं आपको बताती हूँ. पिछले बार जब ये मॉनसून सेल आया था, तब मैंने बहुत शॉपिंग किया था, कुछ नहीं तो मैंने कम से कम 10,000 के कपड़े खरीदे थे. और मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक्चुअली ज़ारा से एंड H&M से दो
टॉप्स खरीदे थे और जो मैंने जारा का कपड़ा खरीदा था, जारा में अगर आप लोग गए हो गए तो जारा के जनरली जो कपड़े होते हैं वो सब 1000 उनका मिनिमल रेंज होता है और सब 1 से ऊपर होते हैं। तो मैंने 1 pair ऑफ जीन्स परचेस किया था जो कि हाई वेस्टेड जीन्स है और उसकी फिट इतनी परफेक्ट है, आई डोंट थिंक सो कि मेरी इतनी कंफर्टेबल जीन्स कोई और ब्रांड की होगी, मतलब बहुत ही परफेक्ट उसका मटीरियल है। लेकिन वो भी कॉस्टली थी बट वो मुझे बहुत पसंद आई, तो उसका मतलब मैं ये बोलूंगी कि वहाँ से जीन्स लेना इज वर्थ द प्राइस है, वर्थ द मनी है। बट मैंने वहाँ से 4 टॉप्स परचेस किए थे और जिसमें से मैं आपको एक टॉप बताती हूँ अभी। बाकी टॉप जो है वो मैंने अभी तक नहीं पहने हैं क्योंकि मेरे पास ऐसा होता है, मैंने आपको, आपने मेरा जो वो वाला हॉल देखा होगा जिसमें हाउ टू ऑर्गेनाइज योर अलमीरा, उसमें मैंने, मेरे पास बहुत सारे बफर में कपड़े रहते हैं, मतलब 10 कपड़े ऐसे होंगे जो बिल्कुल नए और एकदम कोरे रखे होंगे जिसको मैं नहीं पहनती हूँ, ओकेजन्स डिसाइड आ नहीं पाता है वो, ऐसा कुछ आप बोल सकते हो। तो वैसा है, तो वो उनके जो 2 टॉप हैं, 2 से 3 टॉप मैंने अभी तक पहने नहीं है और जो एक है वो मैंने पहना था और सिर्फ उसको मैंने एक बार पहना है और वो टॉप मुझे आफ्टर डिस्काउंट 1400 रुपीज़ का मिला था, बिकॉज मुझे व्हाइट कलर के टॉप ना बहुत एलिगेंट और बहुत अच्छे लगते हैं, तो मुझे व्हाइट में ऐसे हर कहीं से नहीं लेती हूँ, पर्टिकुलर शॉप से लेती हूँ। तो मैंने वो परचेस किया था व्हाइट कलर का टॉप 1400 का, आफ्टर डिस्काउंट वो 2200 का था और एक वॉश में, मतलब मैं अपने कपड़े मशीन वॉश नहीं करती हूँ, मतलब मैं ही वॉश करती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि यार ये महंगा कपड़ा है इसको कैसे धोना है, तो मैं वॉश करती हूँ। तो मैंने उसको जस्ट जो सर्फ का पानी होता है उसमें थोड़ा देर गलाया 10 minutes और निकाल के धो दिया क्योंकि एक ही बार पहना था और वाइट है तो मुझे ऐसा लगता है थोड़े बहुत उसमें डस्ट आ जाती है, तो उसके उसको क्लीन करना जरूरी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि उसकी क्या कंडीशन हो गई है। ओके, तो ये है वो टॉप और मैं आपको, एक सेकेंड, नाउ लुक एट दिस, ये आपको दिख रहे हैं 2 होल्स, तो ये हालत हुआ है इसका वॉश करने के बाद। तो देखा आपने, 2 होल्स हो चुके हैं स्लीव्स पे और अब मैं क्या, मुझे मतलब मेरा दिमाग एकदम आउट ऑफ, किसके पास जाऊँ मैं इसको लेकर के कि क्यों कैसे हो गया ये होल, इतना प्रिकॉशन लेकर के मैं कपड़े अपने रखती हूँ और मेरे कपड़े रखे भी ऐसा नहीं रहता है कि मैं सारे कपड़े एक साथ रख देती हूँ, मेरे वाइट्स अलग रखे रहते हैं, मेरे येलो अलग रखे रहते हैं, मेरी ग्रीन्स अलग रखे रहते हैं, उसके बावजूद ये हुआ। ऐसे ही मैंने H&M से 1200 का, वो भी डिस्काउंट के बाद, ये इतने कॉस्टली टॉप्स हैं, 1200 या 1100 ऐसे ही, 1000 के ऊपर ही था वो, लेकिन 1100 के अंदर था, वो भी वाइट कलर का टॉप था, उसको सिर्फ एक बार ही वॉश किया है मैंने और उसकी स्लीव में, उसके बैक पे अगेन 2 से 3 ऐसे होल हो गए। तो मतलब मुझे ना सेल, या तो ऐसा कुछ होता होगा कि सेल में ऑटोमेटिकली डिफेक्टेड कपड़े या लोग ये लोग सेल करते हैं या पता नहीं क्या है, क्योंकि और भी मेरे पास H&M के कप टॉप्स हैं बट वो इस तरह से, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दीस, तो मेरा ना दिमाग ही बिल्कुल ऐसा हो गया कि मैं सेल से कपड़े नहीं लेने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने कुछ भी अभी तक सेल में ऐसे शॉपिंग नहीं किया है, थोड़ा बहुत 1 या 2 ऐसा कुछ शॉपिंग नहीं किया है, मतलब इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ये यार, इनसे बेटर तो पैंटलूंस, वेबसाइट और ये सब है, शॉपर स्टॉप, इनके कपड़े बहुत अच्छे निकलते हैं, नो डाउट इन लोगों के जो क्लोथ्स हैं वो कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई है, बिकॉज मेरे पास वेबसाइट का ह्यूज मटेरियल है। इवन तो मिंत्रा के कपड़े भी ऐसे नहीं निकलते यार, ये इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं H&M, ज़ारा और ये क्या है, मतलब मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई, मतलब इसलिए ना मेरा ये 4 दिन पहले ही मैंने इसको वॉश किया था और ये कंडीशन है टॉप की, तो अब इसलिए मैं ना, मैंने ये सोचा है कि मैं ज़ारा से, ऐसा मैंने सोचा है, आई डोंट नो, आई एम ए शॉपिंग लवर, तो मुझे अगर कुछ पसंद आ जाए तो आई डोंट नो, आई कैन नॉट से ऑन दिस। तो बस यही है और आज का जो वीडियो है, काफ़ी लेट हो चुकी है, रात हो गई है, तो आज का जो वीडियो है मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय, गुड नाइट।